हरताली का तीज 6 तारीख को हरताली का तीज की पूजन होगी, तो हरताली का तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरा का दर्शन किए होंगे, जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरताली का तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नजदीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नजदीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला और ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर, ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादित्य महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप माथे चढ़ जाता है, अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं उसका पाप माथे चढ़ जाता है, कपड़े धोना बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप माथे चढ़ जाता है, चलकर अपन कहीं जाते हैं अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप माथे चढ़ जाता है, कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरताली का तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है, मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं, सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ, सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा, 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं, वो मेरे घर पर आईं कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा, शिवजी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूं। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी, ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहां दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप सभी को मालूम होगा, एक शंकर भगवान के
नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो। ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वरासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वरासुर जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है, ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वरासुर। और इस ज्वरासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। माँ इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमानती है। ज्वरासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था, शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था, शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था, शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी, शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए।